Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. Category round. Zero zabar, zero zabar. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि जो दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा कल बरोज़े कयामत में उससे मुसाफहा करूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, प्रोग्राम है जीरो ज़बर सीजन 6 और आज हमारा प्रोग्राम भी छठा है। आज हमारा छठा एपिसोड है, यानी हमें तलाश है अपनी छठी उस टीम की जिसने हमारे साथ सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई करना है। हस्बे मामूल 3 मुख्तलिफ स्कूल्स की टीम हमारे दरमियान मौजूद है जिनके दरमियान हमने मुकाबले करवाने हैं। जबरदस्त राउंड होंगे, खूबसूरत सवालात होंगे और बहुत सारी नॉलेज होगी जहां आप हमारे इस प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखेंगे। साथ ही साथ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद भी करेंगे, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शामिल रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप हमें कॉल्स के जरिए बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके नज़दीक आज इन तीनों टीमों में से कौन सी टीम सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। बढ़ेंगे बिला ताखिर और जानते हैं कि आज कौन कौन से स्कूल्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें जी, यहाँ पर हमारे साथ ऑडियंस की भी कसीर तादाद होती है, इंशाल्लाह इन आपसे भी सवालात के जवाबात का सिलसिला रहेगा। देंगे आप लोग सवाल का जवाब? चलें जी, जो सही जवाब देगा उसे हम जबरदस्त मकतबतुल मदीना की शाया करदा कहानियों की किताबें इंशाल्लाह तोहफे में देंगे। बढ़ेंगे अपनी टीम्स की तरफ, जानते हैं आज कौन कौन से स्कूल्स हैं। जी, अपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी बताइए, अपना नाम भी बताइए और किस क्लास में हैं आप, ये भी बताइए। माय नेम इज मिनहाज, माय फादर नेम इज जावेद। गुड बेटा, अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी बताइए, क्लास भी बताइए। क्लास 7। स्कूल? माय स्कूल नेम इज द नॉलेज एकेडमी। स्कूल नेम इज द नॉलेज एकेडमी। चलें जी, नेक्स्ट स्टूडेंट। माय नेम इज अहमद रजा, माय फादर नेम इज मोहम्मद हनीफ। क्लास 8। माय स्कूल नेम इज द नॉलेज एकेडमी। चलें जी, द नॉलेज एकेडमी के दूसरे स्टूडेंट ने भी अपना तारुफ करवा दिया है। बढ़ेंगे तीसरे स्टूडेंट की तरफ। जी, माय नेम इज उस्मान एंड फादर नेम इज आसिफ अली। क्लास 8। माय स्कूल नेम इज द नॉलेज एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद इब्राहिम, माय फादर नेम इज मोहम्मद वसीम। आई स्टडी इन क्लास 5। आई फ्रॉम ऑफ द स्कूल। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टूडेंट। मेरा नाम मुहिबुल्ला है, मेरे अबू का नाम अब्दुल खालिक है और मैं 5 क्लास में पढ़ता। 5 क्लास के स्टूडेंट है, ऑफ द स्कूल से आपका भी ताल्लुक है। चले जी, तीसरे स्टूडेंट। माय नेम इज अब्दुल सुभान, माय फादर नेम इज शुएबुल हसन। आई एम फ्रॉम ऑफ द स्कूल। क्लास 5। क्लास 5 जी। मेरा नाम अब्दुल राफे, मेरे वालिद का नाम अब्दुल कादिर। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ और मेरी स्कूल का नाम दारुद इस्लामिक स्कूल। माशाल्लाह जी। मेरा नाम मेराज है और मेरे अबू का नाम अब्दुल रहीम है और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम दारुल इस्लामिक स्कूल का है। वेल डन जी। मेरा नाम मुबीर रजा है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद जावेद है और मैं क्लास 7 का तालिबे इल्म हूं। चलें जी, दारुल हुदा की तीसरी टीम हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों टीमों को हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। बढ़ेंगे प्रोग्राम को फॉर्मेट की तरफ लेके जाएंगे। बढ़ेंगे हम अपने पहले राउंड की तरफ, शुरू करेंगे पहले राउंड से। पहला राउंड होता है हमारा अंदाजा लगाएं। अंदाजा लगाएं। अंदाजा आप लोगों ने क्या लगाना है। आपकी डाइस पर कॉइंस रखे हैं, 10-10 कॉइंस हर हर टीम के पास मौजूद है। आप तीनों टीमों से बारी बारी सवाल होगा, हर सवाल के जवाब के लिए हम आपको 3 ऑप्शंस देंगे, ए बी और सी। आपके डाइस पर भी 3 ऑप्शंस बने हैं, ए बी और सी। आपको जो ऑप्शन दुरुस्त लगता है, ये 10-10 कॉइंस आप किसी भी एक ऑप्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तीनों ऑप्शंस में भी कुछ कॉइंस इस्तेमाल कर सकते हैं हर सवाल के जवाब में। सही ऑप्शन में जितने कॉइंस आपने इस्तेमाल किए होंगे उतने पॉइंट्स आपके स्कोर में इजाफा कर दिया जाएगा। शुरू करेंगे द नॉलेज एकेडमी की टीम से पहला सवाल। दिखाइए जी, पहला सवाल क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन का सिलसिला नस्ब यानी फैमिली ट्री किस शख्सियत पर जाकर मिल जाता है। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, ऑप्शन बी फिहर बिन मालिक, ऑप्शन सी
किलाब बिन मुर्रा। जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब। 12 सेकंड्स हैं, जल्दी कीजिए। किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी याद रखिएगा। जी किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स इस्तेमाल किए हैं? ए में 7 और सी में 3। ए में 7 सी में 3, दिखाइए जनाब दुरुस्त ऑप्शन क्या था। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, किलाब बिन मुर्रा। 30 पॉइंट्स द नॉलेज एकेडमी। बारी है ऑफ द स्कूल वालों से सवाल करने की। आपके लिए देखिए अगला सवाल स्क्रीन पर। आपके लिए सवाल है, फिरौनियों पर लगातार कितने अजाबात आए। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस आपके पास भी हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6। जवाब दीजिए, कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी ए में 4 डाले और बी में 3 और सी में भी 3। जी जनाब, ए में 4, बी में 3 और सी में 3, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, फिरौनियों पर 5 अजाबात आए। 30 पॉइंट्स ऑफ द स्कूल। अल्लाह अकबर, फिरौनियों पर जो अजाबात आए उनमें अजाब था, तूफान आया, टिड्डियों का अजाब आया, घुन यानी कीड़े लग गए, मेंढक का अजाब आया और खून का अजाब उन पर नाजिल किया गया। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बरकत है कि हम पर अल्लाह पाक उस तरीके से अजाब नहीं नाजिल फरमाता जैसा पिछली कौमों पर नाजिल फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये बरकतें हैं, हुजूर का सदका है। अल्लाह हमें भी अच्छे आमाल की तौफीक नसीब फरमाए। जी बारी है दारुल हुदा इस्लामिक एकेडमी से सवाल करने की। आपके लिए देखिए अगला सवाल। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तिलावत कुरान, ऑप्शन बी वालदेन की इताअत, ऑप्शन सी नमाज। जी ऑप्शन सी में 10। ऑप्शन सी में 10 कौन इस्तेमाल कर लिए हैं, करना भी यही चाहिए था। दिखाइए जनाब क्या इनका जवाब दुरुस्त है। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 100 पॉइंट्स दारुल हुदा इस्लामिक एकेडमी। आइए मिलकर हम भी नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी 5 नमाजों की पाबंदी करेंगे। द नॉलेज एकेडमी के लिए अगला सवाल। बादलों से पैदा होने वाली गरज किस सूरत के नाम का माना है। कुरान पाक की किस सूरत के नाम का माना बादलों से पैदा होने वाली गरज है। जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सूरह कहफ, ऑप्शन बी सूरह राद, ऑप्शन सी सूरह जासिया। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं। ए में 2 डाले, बी में 4 डाले और सी में भी 4 डाले। ए में 2 कॉइन इस्तेमाल किए हैं, बी में 4 और सी में 4, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी सूरह राद। 40 पॉइंट्स हासिल किए हैं द नॉलेज एकेडमी ने। बारी है ऑफ द स्कूल वालों से सवाल करने की। क्या आप लोग रेडी हैं? यस। जरा जोर से यस। चले जी देखिए आप लोगों के लिए अगला सवाल। सूरतुल मुनाजात किस सूरत को कहा जाता है। 3 ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर। ऑप्शन ए सूरह मुल्क, ऑप्शन बी सूरह फातिहा, ऑप्शन सी सूरह रहमान। ए में 3, बी में 5, सी में 2। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी सूरह फातिहा। 50 पॉइंट्स ऑफ द स्कूल। जी अगला सवाल है दारुल हुदा इस्लामिक स्कूल की टीम से। किस सूरत के नुजूल के वक्त 70,000 फरिश्ते उतरे थे। 3 ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शन ए सूरह अनआम, सूरह माईदा या सूरह तूर, ए बी सी। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी ए में 2, बी में 4 और सी में 4। जी ऑप्शन ए में 2 को इस्तेमाल किए हैं, बी में 4 और सी में 4, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। 20 पॉइंट्स दारुल हुदा।
बारी है तो नॉलेज एकेडमी से सवाल करने की, दिखाइए जी आखिरी सवाल पहले राउंड का नॉलेज एकेडमी के लिए। मरने के बाद कब्र में पहला सवाल क्या होगा? तीन ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए तुम्हारा दीन क्या है, ऑप्शन बी तुम्हारा रब कौन है, ऑप्शन सी किस किताब पर तुम्हारा ईमान है। तीनों ऑप्शंस में कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी 10 के 10 ऑप्शन बी में। 10 के 10 आपने ऑप्शन बी में इस्तेमाल किए हैं, ऐसा क्यों किया है? हमारे को पता है। आपको पता है? अल्लाहु अकबर, ये कब्र का इम्तिहान कैसा इम्तिहान होता है। हमारी स्कूलों में भी पेपर्स होते हैं, इम्तिहानात होते हैं, लेकिन उसके सवालात हमें नहीं पता होते। अगर कभी सवाल लीक हो जाए, किसी को पता चल जाए, तो फिर उस सवाल को चेंज कर दिया जाता है, उसका इम्तिहान नहीं लिया जाता। लेकिन हमें पता है कि कब्र में क्या सवालात होने हैं, क्या इम्तिहान होना है, इसके बावजूद हम उसकी तैयारी नहीं करते। आइए मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह कब्र और आखिरत की तैयारी करेंगे। जी जनाब, दिखाइए इनका जवाब क्या दुरुस्त है या नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, तुम्हारा रब कौन है, ये कब्र का पहला सवाल होगा। 100 points द नॉलेज एकेडमी। बारी है ऑफ द स्कूल वालों से सवाल करने की। देखिए आप लोगों के लिए अगला सवाल क्या है। हनफी किस बुजुर्ग के फॉलोअर्स को कहा जाता है? हनफी किस बुजुर्ग के फॉलोवर्स को कहा जाता है? जवाब देने के लिए तीन ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इमाम आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन बी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ऑप्शन सी गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। जी ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में भी 3, ऑप्शन सी में 4। चले जी, ऑप्शन ए में 3, बी में 3 और ऑप्शन सी में आपने 4 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। बड़ा ही आसान सवाल था, इसमें तो आपको 100 नंबर लेने चाहिए थे। हम हनफी हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के फॉलोवर्स हैं, इसी मुनासिबत से हम हनफी कहलाते हैं। 30 points ऑफ द स्कूल। राउंड 1 का आखिरी सवाल होगा दारुल हुदा इस्लामिक स्कूल की टीम से। कुरानी लफ्ज मुबशरीन का माना क्या है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए खुशखबरी देने वाले, ऑप्शन बी डराने वाले, ऑप्शन सी बुलाने वाले। जी ए में 5, बी में 4, सी में 1। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए खुशखबरी देने वाले। 50 points दारुल हुदा। पहला राउंड कंप्लीट हुआ, क्या ऑडियंस सवाल का जवाब देगी? लगता है राइट साइड वाले तैयारी करके आए हैं, लेफ्ट साइड वालों ने तो जवाब ही नहीं दिया। देंगे लेफ्ट साइड वाले जवाब? चलें जी, आप सवाल का जवाब देंगे। क्या नाम है आपका? मूसा। मूसा भाई, मूसा भाई ये बताइए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त है जनाब। चले ये प्यारे नबियों की सीरतों पर मुश्तमिल ये बड़े खूबसूरत किताबचे मकतबतुल मदीना ने शाया किए हैं। अल मदीनतुल इल्मिया ने इसे तहरीर किया है। बच्चों की दुनिया के नाम से ये पूरी सीरीज है, हजरत इदरीस अलैहि सलातु वसलाम के हवाले से इसमें मालूमात है। ये किताब आपके लिए बेटा। ठीक है जी, लेफ्ट साइड वाले जवाब देंगे। चले ये बताइए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद फजील है। हमारे प्यारे आका के अब्बू का नाम अब्दुल्ला था। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम क्या था? हजरते अब्दुल्ला। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। एक और सवाल हो जाए। चले अम्मी जान का नाम कौन बताएगा? हमारे प्यारे आका की अम्मी जान का नाम चले बताइए। मेरा नाम असीब है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हजरत बीबी आमना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जी, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम हजरत बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा है। ये बड़ा प्यारा रिसाला है। लालची कबूतर, कबूतर को कभी लालच करते हुए देखा है? हाँ, ये लालची कबूतर कौन है ये आप जान सकेंगे इसे पढ़कर। चले जी आइए बढ़ते हैं, हम आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि पहले राउंड में किस टीम ने कितना स्कोर बनाया है। दिखाइए स्कोर बोर्ड।
The Knowledge Academy ने हासिल किए हैं 170 points. Of the school ने हासिल किए हैं 110 points. दारुल हुदा ने बनाए हैं 170 points. जी बारी है अब हमारे दूसरे राउंड की. दूसरा राउंड होगा हमारा बड़ा ही खूबसूरत राउंड. राउंड का नाम है मेहमान का सवाल. मेहमान का सवाल. जी इस राउंड में होना यह है कि बारी बारी एक एक टीम के लिए हम कुछ मेहमानों की तस्वीर आपको दिखाएंगे. आप मदीना कहेंगे. मेहमान जो स्क्रीन पर स्टॉप होंगे वही आपसे सवाल करेंगे. सही जवाब देने पर आपके स्कोर में इजाफा होगा. कितने पॉइंट्स का? 10. जोर से जरा. 10. और अगर आपने गलती की तो कितने पॉइंट्स वापस हो जाएंगे? 10. जोर से. 10. जी तो कोशिश कीजिएगा कि सही से ध्यान से सवाल सुनिएगा ताकि आप सही सही जवाब दे सकें. दिखाइए नॉलेज एकेडमी के लिए कौन है मेहमान. मदीना. जी हाजी सलमान मदनी. सलमान भाई सवाल करेंगे. सलमान भाई क्या सवाल करेंगे आज बच्चों से? सवाल आपसे ये है, आप ये बताइए कि जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? बताइए जनाब सबसे पहले मस्जिद कौन सी जमीन पर बनाई गई? मस्जिद हराम. आपने कहा मस्जिद हराम. आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. बारी है ऑफ द स्कूल वालों से सवाल करने की. देखिए आप लोगों के लिए कौन है मेहमान. मदीना. महरोज मदनी भाई सवाल करेंगे. जी महरोज भाई क्या सवाल करेंगे? प्यारे बच्चों आपके स्कूल की टीम से मेरा सवाल है कि शरई सफर में, शरीयत जिसे सफर मानती है, उसमें चार रकात फर्ज की जो रकातें हैं ये दो पढ़ी जाती हैं, तो इन दो रकातों को क्या कहते हैं? यानी चार के बजाय जो दो पढ़ते हैं तो इसकी टर्मिनोलॉजी लैंग्वेज में इसके वर्ड्स क्या हैं, अल्फाज क्या हैं? बड़ा तफसील से सवाल किया है हमारे महरोज भाई ने. उस फर्ज नमाज को क्या कहते हैं जिसको चार के बजाय दो पढ़ी जाती है शरई सफर के दौरान? कसर. कसर कहते हैं. जवाब दुरुस्त है. बारी है दारुल हुदा की टीम से सवाल करने की. लेकिन सवाल मैंने नहीं मेहमानों ने करना है. जी दिखाइए मेहमानों की तस्वीर. मदीना. इमरान मदनी भाई सवाल करेंगे. जी इमरान भाई बच्चों से क्या सवाल करेंगे आप? आपसे मेरा सवाल ये है कि इस्लाम की सबसे पहली हिजरत किस इलाके की तरफ हुई? जी इस्लाम की सबसे पहली हिजरत किस इलाके की तरफ हुई? मदीना मुनव्वरा. आपने कहा मदीना मुनव्वरा. ये प्यारे आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई थी, लेकिन जो इस्लाम की पहली हिजरत हुई थी वो हबशा की तरफ हुई थी. गलती हो गई है जनाब. 10 पॉइंट्स माइनस होंगे. जी बारी है द नॉलेज एकेडमी से दूसरा सवाल करने की. दिखाइए मेहमान क्या सवाल करते हैं. मदीना. राशिद मदनी भाई सवाल करेंगे. बच्चों से मेरा सवाल यह है कि हजरत सैयदना दाऊद अलैहि सलातु सलाम की कौम के कितने अफराद नाफरमानी की सजा में बंदर बना दिए गए थे? 12,000 लोग. 12,000 बंदर बना दिए गए थे. जवाब दुरुस्त दे दिया है. कुरान का ये बड़ा जबरदस्त सीखने वाला वाकया है, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है. आप इसे जरूर पढ़ें, इसे जरूर समझें कि वो कौन से लोग थे जो 12,000 लोग थे जिन्हें बंदर बना दिया गया था. वजह क्या थी, क्यों इन्हें बंदर बना दिया गया था? कुरानी मालूमात में इसे आप पढ़ सकते हैं. अजाइबुल कुरान, गराइबुल कुरान, मकतबतुल मदीना की बड़ी खूबसूरत किताब है. आप इसे लेकर इसमें इस वाक्य को भी और दीगर कुरानी वाक्यात को भी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं. बारी है ऑफ द स्कूल वालों से सवाल करने की. देखिए आप लोगों के लिए कौन से हैं मेहमान. मदीना. वकार शाह साहब सवाल करेंगे. जी प्यारे बच्चों आप ये बताइए वो कौन सी नमाज है जिसके लिए दो अजानें दी जाती हैं? जी जुम्मे की नमाज. जुम्मा की नमाज. जवाब दुरुस्त दिया है. जी बारी है दारुल हुदा वालों से सवाल करने की. मदीना. महरोज मदनी भाई सवाल करेंगे. जी महरोज भाई दिन भर की 5 नमाजों में टोटल कितनी रकाते हैं? जी 48. आपने कहा 48. जवाब दुरुस्त दिया है. चलें जी इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ. क्या यहाँ सवाल का जवाब कोई देगा? चलें जी बहुत ही आसान से सवाल आपसे कर लेते हैं. बताइए कि जोहर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? मेरा नाम मोहम्मद मिनाज है और जोहर की नमाज में 12 रकातें होती हैं. जोहर की नमाज में 12 रकातें होती हैं. क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है. शाबाश. बैठे जी एक और सवाल करेंगे हम अपनी लेफ्ट साइड के टीम से.
लेफ्ट साइड वालों से एक और सवाल होगा, असर की नमाज में कौन कौन सी रकातें होती हैं, कितनी सुन्नत होती हैं, कितनी फर्ज होती हैं, क्या क्या होता है, जरा कौन बताएगा? चार सुन्नत चार फर्ज। चार सुन्नत चार फर्ज, कोई नफिल नहीं होता? खड़े हो जाएं। चार सुन्नत चार फर्ज, दो सुन्नत दो नफिल। हाँ देखा, कंफ्यूज हो गए ना, कंफ्यूज किया तो कंफ्यूज क्यों हो गए भाई? असर की नमाज में नफिल होते हैं, कितनी रकातें होती हैं? चार। चार होती हैं? चार और चार कितनी होती हैं बताओ? आठ। जोर से। आठ। आठ होती हैं। कितनी सुन्नत होती हैं, कितनी फर्ज होती हैं? चार सुन्नत चार फर्ज। तो नफिल आप नहीं पढ़ते हो? असर की नमाज में नफिल नहीं होते हैं ऐसा बोलते हैं, क्या होता है? असर की नमाज में नफिल नहीं होते। असर की नमाज में नफिल नहीं होते। चलें जी, ये थोड़ा सा चालाक खरगोश पढ़िएगा ताकि आप भी थोड़े चालाक हो जाएं, ठीक है? माशाल्लाह। चलें जी बैठे, अभी वक्त हुआ है स्कोर बोर्ड दिखाने का। आइए आपको दिखाते हैं कि दूसरे राउंड का स्कोर किस टीम ने कहां तक पहुंचाया। द नॉलेज एकेडमी ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में और आपका टोटल स्कोर हो गया यूं 190 पॉइंट्स। ऑफ द स्कूल ने भी 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है, आपका टोटल स्कोर हो गया 130 पॉइंट्स। दारुल हुदा वालों ने पहले नंबर माइनस करवा दिए थे, फिर नंबर वापस हमसे ले लिए, यानी मामला बराबर कर दिया। इस राउंड में आपको कोई नंबर नहीं मिला, लेकिन आपका पिछला स्कोर बड़ा जबरदस्त है। कितने पॉइंट्स हैं? 170 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे बड़े ही इंटरेस्टिंग राउंड की। तीसरा राउंड होगा जिसका नाम है अस्माउल हुस्ना। अस्माउल हुस्ना। मुकाबला पहुंच चुका है अपने तीसरे राउंड में। तीसरे राउंड में अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों की तख्तियों को तलाश करना होता है, उनकी ट्रांसलेशन को तलाश करना होता है। सामने बोर्ड पर अरबिक में 33 तख्तियां हम लगवाते हैं और जंजीरों पर 99 अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों की ट्रांसलेशन ये तख्तियों की सूरत में हैंग होती है। इन 99 तख्तियों में से आपने तलाश करना है कि बोर्ड पर कौन से अरबिक नेम लिखे हैं, उनकी ट्रांसलेशन लगानी है। हर सही तख्ती लगाने पर आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा, गलती करने पर कोई पॉइंट्स माइनस नहीं होंगे। अच्छा, अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों के बहुत सारे मायना बड़े करीब करीब होते हैं, लेकिन हमने आपको सिलेबस में जो माना दिए हैं हमें वही रिक्वायर होंगे, क्योंकि हमने तो आपका हफ्जा भी चेक करना है कि आपको कितना याद रहा है हमने जो आपको ट्रांसलेशन लिख कर दी है। हर हर टीम के पास 90-90 सेकंड्स होंगे, यानी हर हर स्टूडेंट के पास 30-30 सेकंड्स हैं। देखते हैं कि इस राउंड में कौन सी टीम कितनी परफॉर्मेंस दिखाती है, क्योंकि इस राउंड में सिर्फ जहानत का नहीं बल्कि आईक्यू लेवल का, स्पीड का, कई सारी चीजों का इम्तिहान लिया जाता है। आइए शुरू करते हैं द नॉलेज एकेडमी की टीम से। आइए नॉलेज एकेडमी की टीम एक्टिविटी फ्लोर पर। द नॉलेज एकेडमी की टीम आ चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। कौन जाएगा पहले? अहमद रदा। फिर कौन जाएगा? उस्मान। उस्मान भाई जाएंगे और देन मिनहाज। मिनहाज भाई। अच्छा भाई, गौर से सुन लें, आप यहां से खड़े खड़े अपनी टीम के मेंबर को भरपूर सपोर्ट कर सकते हैं, माइक में बता सकते हैं कि कौन सी तख्ती उठाएं, कहां लगाएं, किस रो में लगाएं, किस कलर के नीचे लगाएं या किस वर्ड के नीचे लगाएं। आप सब कुछ यहां से खड़े खड़े गाइड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस। समझ गए आप सब? यस। शुरू करें? यस। चलें जी, 90 सेकंड्स का काउंटर चलाइए द नॉलेज एकेडमी के लिए। आपका वक्त शुरू होता है अब, दौड़िए। वेल डन, आप यहां से मदद कर सकते हैं। 5 सेकंड्स का काउंटडाउन देंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलें जी, आ जाइए, दौड़िए भाई, उस्मान भाई दौड़िए। उस्मान भाई बड़े स्लो स्लो जा रहे हैं, देखना यह है कि उस्मान भाई कितनी तख्तियां लगा पाते हैं। 5 तख्तियां लगाई हैं अहमद रजा भाई ने। दूसरे स्टूडेंट ने अब तक एक भी तख्ती नहीं लगाई है। 20 सेकंड्स गुजर चुके हैं, जल्दी कीजिए बेटा, लास्ट 10 सेकंड्स बचे हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। आ जाइए उस्मान भाई, जल्दी आ जाइए, वापसी तो जल्दी आ जाइए।
लास्ट 10 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी कीजिए। काउंटडाउन देंगे 5, 4, 3, 2, 1। चलें जनाब, टाइम खत्म हो गया। एक ही स्टूडेंट था जिसने तख्तियां लगाई हैं, ऐसा क्यों किया आप दोनों ने? जरा दीजिए इनको माइक। तैयारी नहीं थी? तैयारी थी, जहन से निकल गया। तैयारी थी, जहन से निकल गया। पहले कहते हम जहन में कुछ डाल देते। आपके आपके साथ क्या हुआ? मैं गया ना तो मेरे को मुश्किल हो रही थी। चलो बताओ क्या क्या मुश्किल हो रही थी? मेरे को मिल रहा नहीं था उधर, मेरे को जो याद था मैं देख रहा था। तो अहमद रजा भाई से पूछ लेते, पीछे आपके तीसरे पार्टनर से पूछ लेते, नहीं बताया ना? कितना गलत किया आपने, देखा नहीं बताया। चलें जी देख लेते हैं कितने कितनी तख्तियां दुरुस्त लगाई हैं, जरा चेक कर लेते हैं। पहली तख्ती लगाई है अल अहद, वाहिदो यक्ता, 10 पॉइंट्स। अल शहीद, गवाह, 20 पॉइंट्स। अल अली, सबसे बुलंद, 30 पॉइंट्स। अल वाजिद, इंसाफ करने वाला, गलत। अलवासे, वसअत देने वाला, 40 पॉइंट्स। जी जनाब, अच्छा इजाफा किया है नॉलेज एकेडमी की टीम ने, 40 पॉइंट्स हासिल किए हैं तीसरे राउंड में। अब बारी है अगली टीम को इनवाइट करने की, ऑफ द स्कूल की टीम। आइए एक्टिविटी फ्लोर पर देखते हैं ऑफ द स्कूल की टीम क्या कारकर्दगी दिखाती है। लेकिन याद रहे ये 33 नेम्स की तख्तियों को चेंज कर दिया जाएगा ऑफ द स्कूल के लिए। जी जनाब, ऑफ द स्कूल की टीम पहुंच चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। कौन जाएगा पहले? इब्राहिम। इब्राहिम भाई जाएंगे पहले, उसके बाद? मेरा नाम मोहिबुल्ला है, दूसरी बार मैं जाऊंगा। सुभान, अब्दुल सुभान भाई जाएंगे। जी तैयारी कितनी है इस राउंड में? अच्छी है। अच्छी तैयारी है, कितनी तख्तियां लगा लेंगे? कितनी तख्तियां अभी से पता है कि हाँ इसका मतलब ये है? चार का इनको पता है। चलें जी काउंटर चलाइए 90 सेकंड्स का ऑफ द स्कूल के लिए। आपका वक्त शुरू होता है अब। लास्ट 10 सेकंड्स बचे हैं, काउंट डाउन मिलकर देंगे 5, 4, 3, 2, 1। चलें जी आइए, चलें आपको जो तख्तियां पता थी यहाँ से बताइए किस तख्ती का है वो ट्रांसलेशन बताइए, माइक में बताइए। मुइब नूर का उठाओ, अल नूर। वेल डन, थोड़ी स्पीड दिखाइए। लास्ट 5 सेकंड्स हैं, मेरे साथ मिलकर काउंट डाउन। मुइब मालिक, 5, 4, 3, 2, 1। चले जी दौड़िए, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, बताइए इनको किसका क्या ट्रांसलेशन है। सुफान अल नफा का लगाओ, नफा देने वाला, नफा देने वाला, नफा देने वाला तलाश कर लो। नीचे नफा है, जल्दी करेंगे, नीचे की तरफ है। काउंट डाउन मिलकर देंगे 5, 4। जल्दी लगाओ, चलें जी आखिरी तख्ती लगाई है बिल्कुल आखिरी सेकंड पे। देखते हैं 6 तख्तियां लगी हैं, इन 6 में से कितनी दुरुस्त हैं। पहली तख्ती लगाई है अज़ाहिर, छुपा हुआ, बिल्कुल गलत। दूसरी तख्ती लगी है अल मुगनी, इंतकाम लेने वाला, ये भी गलत। तीसरी तख्ती लगी है अल मुअख्खिर, मौखर करने वाला, 10 पॉइंट्स। अर रशीद, सीधी तदबीर वाला, 20 पॉइंट्स। अत्तवाब, तौबा कबूल करने वाला, 30 पॉइंट्स। ज़ुल जलाल वल इकराम, साहिबे जलाल और बहुत करम फरमाने वाला, 40 पॉइंट्स।
जबरदस्त इजाफा किया है ऑफ द स्कूल की टीम ने, 40 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और अब बारी है हमारी तीसरी टीम को इनवाइट करने की, दारुल हुदा की टीम एक्टिविटी फ्लोर पर आएगी, आपके 33 तख्तियों को चेंज किया जाएगा। जी आ जाइए एक्टिविटी फ्लोर पर। जी दारुल हुदा की टीम पहुंच चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। एक्टिविटी फ्लोर पर पहुंचने वाले स्टूडेंट से नाम मालूम करेंगे, कौन पहले जाएगा? उबैद रजा। उबैद भाई पहले जाएंगे। जी मेराज। मेराज भाई जाएंगे। जी अब्दुल रफे भाई जाएंगे। क्या लगता है कितनी तख्तियां लगा पाएंगे? छे। सिर्फ छे लगाएंगे? अरे भाई हमने तो 33 दी हैं आपको, सारी लगा दीजिएगा। चलें 90 सेकंड्स का टाइम है आपकी टीम के पास, आपका वक्त शुरू होता है अब। यहां से गाइड कर सकते हैं, मेराज भाई गाइड कीजिए, दूसरे भाई भी गाइड कीजिए। जो सामने आपको अरबी की तख्तियां नजर आ रही हैं उनकी ट्रांसलेशन बताते रहें ताकि वो उनको जो मिले वो उठाते रहेंगे। लास्ट 5 सेकेंड्स, काउंट डाउन देंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलें दौड़िए भाई, पीछे से बताते रहिए कौन सी तख्ती है, किस तख्ती को उठाना है, यहां से गाइड करते रहें। पांच तख्तियां लग चुकी हैं, अभी अच्छा खासा वक्त है आपके पास, मजीद तख्तियों में इजाफा किया जा सकता है। काउंटडाउन मिलकर देंगे, 5, 4, 3, 2, 1। चलें जी कम बैक, गो फास्ट। जो तख्तियां सामने बोर्ड पर लगी हैं उनका ट्रांसलेशन बताते रहेंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। अर्राफे सबसे बुलंद। काउंटडाउन मिलकर देंगे, 5, 4, 3, 2, 1। चलें जी, दारुल हुदा की टीम ने अच्छी खासी तख्तियां लगाई हैं, लेकिन क्या ये दुरुस्त लगाई हैं? चेक कर लेते हैं बारी बारी। पहली तख्ती लगी है अर रहीम, रहमत वाला, 10 पॉइंट्स। अल अजीज, इज्जत वाला। अल मलिक, बादशाह, 30 पॉइंट्स। अल मुजिल, जिल्लत देने वाला, 40 पॉइंट्स। अल फत्ताह, बेहतरीन फैसला करने वाला, 50 पॉइंट्स। अल अदल, इंसाफ करने वाला, 60 पॉइंट। अल मुइज, इज्जत देने वाला, 70 पॉइंट्स। माशाल्लाह जबरदस्त इजाफा किया है। दारुल हुदा की टीम आएगी एक्टिविटी फ्लोर पर। आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड के तीसरे राउंड के बाद किस टीम ने अपना स्कोर कहां तक पहुंचाया। द नॉलेज एकेडमी ने हासिल किए हैं तीसरे राउंड में 40 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 230 पॉइंट्स। ऑफ द स्कूल ने भी इस राउंड में बनाए हैं 40 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 170 पॉइंट्स। दारुल हुदा वालों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, 70 पॉइंट्स हासिल किए हैं तीसरे राउंड में और अपना टोटल स्कोर पहुंचा दिया है 240 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे चौथे राउंड की। चौथा राउंड हमारा एलिमिनेशन राउंड होता है। इस राउंड के आखिर में एक टीम हमारे मुकाबले से बाहर हो जाएगी, वो कौन सी टीम होगी ये तो राउंड के आखिर में ही पता चलेगा। लेकिन जिनके नंबर ज्यादा हैं वो भी ज्यादा खुश ना हो और जिनके नंबर कम हैं वो भी गमजदा ना हो, क्योंकि अगला राउंड ऐसा है कि किसी भी टीम का स्कोर किसी और की टीम का स्कोर हो सकता है, क्योंकि राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। आपका स्कोर हमारा हुआ। जी इस राउंड का तरीकेकार बड़ा ही जबरदस्त है। होगा ये कि मैं आपके सामने एक सवाल रखूंगा, आप तीनों में से जो टीम सबसे पहले बजर बजाएगी वो टीम हमें जवाब देगी। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे, लेकिन ये 20 पॉइंट्स दोनों टीमों के 10-10 पॉइंट्स माइनस करके दिए जाएंगे। और अगर आपने गलत जवाब दिया तो 20 पॉइंट्स आपके वापस लेकर दोनों टीमों को 10-10 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, क्योंकि राउंड का नाम है आपका स्कोर आपका स्कोर हमारा हुआ। तो कोशिश कीजिएगा कि आप उस वक्त बजर बजाएं
जब आप सवाल का जवाब सही जानते हो। अपनी अपनी बजट चेक करवाएंगे। पहले द नॉलेज एकेडमी, गुड। ऑफ द स्कूल, गुड। फिर दबाएं, एक बार फिर, वेल डन। दारुल हुदा, जब कोई और टीम बजर बजा देगी तो 3 सेकंड तक आपकी बजर बीप नहीं करेगी, नहीं करेगी, ये बात ना भूलिएगा। शुरू करेंगे चौथे राउंड का पहला सवाल, देखते हैं तीनों में से कौन सी टीम पहले बजर बजाती है। ऐलान नबूवत के बाद नबी से खिलाफ आदत जाहिर होने वाली बात को क्या कहा जाता है? द नॉलेज एकेडमी, मौजदा। मौजदा कहा जाता है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बात चली है मौजे की, आइए प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक मौजा आपको बताता हूँ। एक बार हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की कि आका, आपसे जो कुछ सूखता हूँ, जो कुछ आप बताते हैं मुझे कुछ याद नहीं रहता, सब भूल जाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, अपनी चादर फैलाओ। अबू हुरैरा ने अपनी चादर फैला दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों की मुट्ठी उस चादर में खोल दी। बज़ाहिर हाथों में कुछ नहीं था, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मुट्ठी को उनकी चादर में खोलकर इरशाद फरमाया कि इस चादर को अपने सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा ने उस चादर को अपने सीने से लगा लिया। अबू हुरैरा कहते हैं कि वो दिन है, आज का दिन है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोई फरमान फिर नहीं भूला। तो शायर ने कहा ना, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। क्या बात है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आका की बारगाह में जो आया, जो कुछ मांगा, आका ने उसे अता फरमाया। अगला सवाल देखते हैं, बजर कौन बजाता है? सवाल है, अस्हाबे बदर की तादाद कितनी थी? द नॉलेज एकेडमी, 313। राइट आंसर। एक मर्तबा फिर 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं, 10-10 पॉइंट्स माइनस हुए हैं ऑफ द स्कूल और दारुल हुदा के स्कोर से, क्योंकि राउंड है आपका स्कोर। जी जनाब, बढ़ेंगे तीसरे सवाल की जानिब। क्या ये सवाल का जवाब भी द नॉलेज एकेडमी देगी? ऑफ द स्कूल बजर नहीं बज रही, बताइए जरा, चेक करवाइए। जी बज तो रही है लेकिन बजा नहीं रहे। चले अगला सवाल सुनिए, सैयदुश्शुहदा का माना बताएं। दारुल हुदा, शहीदों के सरदार। शहीदों के सरदार, जवाब दुरुस्त दिया है। जी अगला सवाल सुनिए, जमजम के अलावा कौन सा पानी खड़े होकर पिया जा सकता है? द नॉलेज एकेडमी, वजू का बचा हुआ पानी। वजू का बचा हुआ पानी, जवाब दुरुस्त है जनाब। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह किस नमाज में पढ़ी जाती है? The Knowledge Academy. सलातु तस्बीह में। Out of syllabus सवाल था, जवाब दुरुस्त दिया है। वाकई भरपूर तैयारी है, अच्छी नॉलेज है The Knowledge Academy की टीम की। अस्हाबे फील का वाकया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितने दिन पहले पेश आया? दारुल हुदा, 55 दिन पहले। 55 days before, right answer. अगला सवाल जरा गौर से सुनिए, कयामत से कितने साल पहले तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज कर ली जाएगी? द नॉलेज एकेडमी, 40 साल पहले। 40 साल पहले, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल सुनिए जी, इमाम आजम रहमतुल्लाही ताला अलैह इराक के किस मशहूर शहर में पैदा हुए? दारुल हुदा, कूफा। आपने कहा कूफा, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 20 points का इजाफा किया है ऑफ द स्कूल, लगता है अपना स्कोर माइनस करवा देगी, जबरदस्त माइनस हो जाएगा ऑफ द स्कूल वालों। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कितनी मर्तबा सब्र का जिक्र फरमाया? 50 बार। आपने कहा 50 बार, आपका जवाब बिल्कुल गलत हो गया है। 70 से ज़ायद मर्तबा ये इरशाद अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया। अल्लाह हमें सब्र की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अबू बकर लोगों में सबसे बेहतर हैं। यह हदीस अरबी में सुनाइए। चलें। अबू बकरिन खैरुन नास। अबू बकरिन खैरुन नास, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कौन जबर रहा और कौन जेर हो गया, क्यों ना ऑडियंस से कुछ सवाल हो जाए। क्या ऑडियंस तैयार है? क्या ऑडियंस सवाल का जवाब देगी? चलें जी, कुछ सवाल का जवाब लेंगे ऑडियंस से, जबरदस्त से रिसाले तोहफे में देंगे। अच्छा जी, सवाल ये है, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद का नाम बताइए। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, जी
मस्जिदुल नबवी। नहीं जनाब, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम रियान है, मस्जिद कुबा। आपका नाम रिहान है और मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद कुबा। जवाब दुरुस्त दिया है। प्यारे नबियों की जिंदगी पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से रिलेटेड बड़ा जबरदस्त किताबचे। जी अगला सवाल ये है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते चचा, उनका नाम क्या है? जी हजरत हमजा। हजरत अमीर तैबा अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हो। जवाब दुरुस्त दिया है। चलें जी, ये प्यारा सा तोहफा लालची कबूतर। अच्छा जी अगला सवाल ये है कि अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी का नाम, चले सारे मिलकर बता दें। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसीलिए तो हमने नारा लगाया मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा आमिना का लाडला शाह हर दो सरा ए खते में रुसुल मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं वल्ला कोई नहीं ए खते में रुसुल मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं वल्ला कोई नहीं ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं वल्ला कोई नहीं ए खते में रुसुल। चलें जी आइए दिखाते हैं आपको चौथे राउंड का स्कोर बोर्ड। द नॉलेज एकेडमी ने इस राउंड में हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 300 पॉइंट्स। और दारुल हुदा वालों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इस राउंड में हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। और आपका टोटल स्कोर हो गया 280 पॉइंट्स। ऑफ द स्कूल वालों ने काफी कमजोरी दिखाई है, इस राउंड में नंबर बनाए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं और आपका माइनस स्कोर है 110 पॉइंट्स। आपका टोटल स्कोर रहा 60 पॉइंट्स। ऑफ द स्कूल की टीम को हमें रुख्सत करना होगा, खूबसूरत से तारीफ आपके साथ जाएंगे। चलें जी कोई बात नहीं, वैसे ही पांचवी क्लास के स्टूडेंट थे और चलें जनाब आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मोहम्मद इब्राहिम भाई को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। आप इब्राहिम भाई चलें, ये सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ जाएगा, बॉक्स के अंदर मौजूद तोहफा भी आपके साथ जाएगा। शाबाश जी। मुहिबुल्ला भाई के साथ भी ये सर्टिफिकेट भी जाएगा, साथ ही साथ ये गिफ्ट जो बॉक्स के अंदर गिफ्ट है ये भी आपके साथ जाएगा। अब्दुल सुभान भाई चलें जी, आप बढ़ेंगे ऑडियंस की तरफ और हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। अगला राउंड होगा हमारा कैटेगरी राउंड। जी नाजरीन, मुकाबला पहुंच चुका है अपने पांचवें राउंड में और पांचवें राउंड में अब हमारे दरमियान दो टीमें मौजूद हैं, एक तरफ है द नॉलेज एकेडमी और दूसरी टीम है दारुल हुदा। दोनों टीमें सिर्फ 20 पॉइंट्स के फर्क के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। नॉलेज एकेडमी का स्कोर है 300 पॉइंट्स और दारुल हुदा का स्कोर है 20 पॉइंट्स। ये फर्क किसी भी वक्त आगे पीछे हो सकता है क्योंकि अब जो राउंड है वो राउंड है कैटेगरी राउंड। चार कैटेगरीज आपको दी जाएंगी सवाल के लिए, हर कैटेगरी में पांच पांच सवाल है लेकिन हर सवाल अलग पॉइंट्स का है। पहला 10, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25 और पांचवा 30 पॉइंट्स का। जितने पॉइंट्स का आप सवाल लेंगे सही जवाब देने पर वो पॉइंट्स आपके स्कोर में होंगे और अगर आपने गलती की तो वो पॉइंट्स आपसे वापस ले लिए जाएंगे। क्या कर लिए जाएंगे? वापस ले लिए जाएंगे। सोच समझ कर कैटेगरीज का इंतखाब कीजिएगा, किसी भी वक्त आप किसी और कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं। दिखाइए जनाब क्या है आज कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है अंबिया इकराम, दूसरी कैटेगरी है खुलफाए राशिदीन,
तीसरी कैटेगरी है मक्का शरीफ, चौथी कैटेगरी है मदीना शरीफ। द नॉलेज एकेडमी कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना। जी जनाब, मदीना शरीफ कैटेगरी का पहला सवाल है 10 पॉइंट्स का। मस्जिद नबी के कितने सुतूनों को खुसूसी फजीलत हासिल है? 8। 8 सुतूनों को जवाब दुरुस्त दिया है। 10 पॉइंट्स प्लस हुए हैं द नॉलेज एकेडमी के स्कोर में। बारी है दारुल हुदा वालों से सवाल करने की। कैटेगरी दिखाइए। अंबिया इकराम। अंबिया इकराम कैटेगरी का पहला सवाल है 10 पॉइंट्स का। मेराज की रात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुजूर अलैहिस्सलाम की मुलाकात किस आसमान पर हुई थी? चौथे आसमान पर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, बारी है द नॉलेज एकेडमी से दूसरा सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है 15 पॉइंट्स का। जिस हुजरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजार शरीफ है, वहां अब किस अजीम हस्ती को दफन किया जाएगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, बारी है दारुल हुदा वालों से सवाल की। कैटेगरी चूज कीजिए। अंबिया इकराम। अंबिया इकराम कैटेगरी का दूसरा सवाल, खाने काबा सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 15 पॉइंट हासिल किए हैं दारुल हुदा की टीम ने। बारी है द नॉलेज एकेडमी की टीम से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी का तीसरा सवाल है और ये सवाल होगा 20 पॉइंट्स का। मस्जिद नबी शरीफ तामीर करने के लिए जमीन दो यतीम बच्चों से ली गई थी, उन दोनों के नाम बताइए। जी जल्दी कीजिए, काउंटडाउन देंगे। जी 5 4 3 2। हजरत इमाम हसन हुसैन। नहीं जनाब, सहल और सुहेल ये दो यतीम बच्चे थे जिनकी वो जमीन थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी कीमत अदा फरमाई और उस जमीन को हासिल किया गया। गलती हो गई है, 20 पॉइंट्स वापस ले लिए जाएंगे। जी बारी है दारुल हुदा वालों से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। अंबिया इकराम। अंबिया इकराम कैटेगरी का ये तीसरा सवाल है 20 पॉइंट्स का। हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या काम किया करते थे? खेती बाड़ी का। आपने कहा खेती बाड़ी, आपका काम सिलाई का था, आप दर्जी का काम किया करते थे। गलती हो गई है जनाब, 20 पॉइंट्स वापस होंगे दारुल हुदा। बारी है अगला सवाल की। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ कैटेगरी का ये पहला सवाल है 10 पॉइंट्स का। हदीस पाक आपके सामने बयान की जाएगी, जरा गौर से सुने। हदीस पाक है कि रोजे कयामत ये पत्थर उठाया जाएगा, उसकी आंखें होंगी जिनसे देखेगा, जबान होगी जिससे कलाम करेगा, जिसने हक के साथ इसका इस्तेलाम किया उसके लिए गवाही देगा। ये किस पत्थर के बारे में इरशाद है? हजरे अस्वद। हजरे अस्वद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। भेजागे जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमागे तुझको खुद मेरे मुस्तफा ने, ए हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर, ए हजरे अस्वद पाकीज़ा पत्थर की ज़ियारत नसीब फरमाए, उसको इस्तलाम करना नसीब फरमाए, और एकाश के हमारे भी लब उस पत्थर को बोसा देने में कामयाब हो जाएं। जी बारी है अगले सवाल की, दारुल हुदा वालों से सवाल होगा। कैटेगरी दिखाइए जी। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये होगा जनाब चौथा सवाल और ये 25 नंबरों का सवाल है। मदीने पाक की आबो हवा कैसी है? सेहत बख्श। मदीने पाक की आबो हवा सेहत बख्श है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, मदीना है तैयबा की आबो हवा की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कभी दूसरे शहर से मदीना तैयबा की तरफ आते तो करीब जैसे ही मदीना आता अपनी सवारी को तेज कर देते ताकि जल्दी से मदीना तैयबा में दाखिल हो जाएं। अल्लाह हमें भी मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। ठंडी ठंडी हवा मदीने की, ठंडी ठंडी हवा मदीने की, मगे
सजा मदीने की मग के फजा मदीने की आरज़ू है खुदा मदीने की आरज़ू क्या है जी बारी है अगले सवाल की। द नॉलेज एकेडमी कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये है पांचवा और आखिरी सवाल। 30 पॉइंट्स का सवाल होगा। सही जवाब 30 पॉइंट्स दिलवाएगा, गलत जवाब 30 पॉइंट्स माइनस करवाएगा। गुंबदे खजरा में कितने रोशनदान हैं? जल्दी कीजिए। तीन। आपने कहा तीन जबकि गुंबदे खजरा में 67 रोशनदान हैं। गलती हो गई है जनाब। 30 पॉइंट्स वापस कर लिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमें गुंबदे खजरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। एक काश ऐसा हो जाए कि रमजानुल मुबारक का महीना हो, सहने मदीना हो और सब सब गुंबद के साए में बैठकर सहरो इफ्तार के मजे लूटना नसीब हो जाए। बुला लो गमे गरीबों को, बारी है दारुल हुदा वालों से अगला सवाल करने की। कैटेगरी चूज करेंगे। मक्का शरीफ कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है। 15 पॉइंट्स का होगा। बारिश में तवाफ के साथ चक्कर लगाने वाले को क्या फजीलत मिलती है? पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जवाब दुरुस्त दिया है। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। चलें जनाब, इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बतलाते हैं किस टीम ने अपना स्कोर कहां तक पहुंचाया। अल्लाहु अकबर, स्कोर बहुत ज्यादा जेरो जबर हुआ है। जो टीम पिछले राउंड तक जेर थी वो जबर हो चुकी है और जो जबर थी वो जेर हो चुकी है, क्योंकि द नॉलेज एकेडमी ने इस राउंड में काफी गलतियां की हैं, दो बड़ी बड़ी मिस्टेक कर दी हैं। आपका जो स्कोर बना है वो है -15। आपका टोटल स्कोर हो गया 285 पॉइंट्स। दारुल हुदा वालों ने तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा दी है, हासिल कर लिए हैं 45 पॉइंट्स। और आपका स्कोर हो गया है 325 पॉइंट्स। यूं 40 पॉइंट्स का फर्क हो गया है दोनों टीमों के दरमियान। लेकिन अब भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आखिरी राउंड अभी बाकी है और आखिरी राउंड में हमारे पास 150 पॉइंट्स हैं। ठीक है, यानी मुकाबला कोई भी टीम दोनों में से जीत सकती है। आइए शुरू करते हैं आखिरी राउंड, जिसका नाम है आमना सामना। जी नाजरीन, मुकाबला आ चुका है अपने आखिरी राउंड में। एक तरफ है दारुल हुदा की टीम, दूसरी तरफ है द नॉलेज एकेडमी की टीम। दोनों टीमों के दरमियान आमना सामना है। ये आमना सामना ही फैसला करेगा कि कौन सी टीम जबर रहती है और कौन सी टीम जेर हो जाती है, यानी कौन सी टीम सुपर सिक्स राउंड के लिए क्वालिफाई करती है और कौन सी टीम खूबसूरत से तारीफ लेकर हमसे जुदा होती है। ये तो इस राउंड के आखिर में ही पता चलेगा। इस राउंड का तरीकेकार ये होगा कि आपसे सवाल होगा, जो बच्चा बजर बजाएगा वही जवाब देगा। सही जवाब देने पर +10, गलत जवाब देने पर -10। लेकिन दोनों सूरतों में दोनों तरफ से बच्चा पीछे की तरफ मूव हो जाएगा और दूसरे नंबर पर जो स्टूडेंट है वो आगे आ जाएगा। ओके, शुरू करें। चले जी, अपनी अपनी बजर चेक करवाते हैं जरा। दारुल हुदा का पिंक है, ठीक है।
दारुल हुदा की लाइट कौन सी है? ठीक है, डन हो गया। और द नॉलेज एकेडमी, इनकी बजर भी सुन ली। और कलर कौन सा है आपका? ग्रीन। ग्रीन है, ठीक है, आप लोगों ने देखना भी है। चलें जी शुरू करते हैं राउंड सिक्स का पहला सवाल। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह का मजार शरीफ किस मुल्क में है? दारुल हुदा। इराक में। राइट आंसर। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कोई एक मशहूर लकब बताइए। दारुल हुदा। असदुल्लाह। राइट आंसर। नमाज का पहला फर्क बताइए। द नॉलेज एकेडमी। तकबीर। तकबीर तहरीमा। राइट आंसर। सत्रह रमजान मुबारक को होने वाले मशहूर गजवे का नाम बताइए। दारुल हुदा। गजवा तबूक। रॉन्ग आंसर, गजवा बदर। राइट आंसर, पीछे जाइए बेटा। सूरह फलक और सूरह नास, इन दोनों सूरतों का एक नाम क्या है? नॉलेज एकेडमी। मुअव्वज़। फिर आगे भी है कुछ? सर मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे को याद है लेकिन। यही तो याद तो रखना है मेरा बेटा, जल्दी बोले, जो बोलना है बोले। मुअव्वज़-ए-ताइन। मुअव्वज़-ए-ताइन नहीं, मुअव्वज़-ए-ताइन। राइट आंसर मानते हैं। चलें, हदीस पाक के मुताबिक इस उम्मत का फिरौन कौन है? द नॉलेज एकेडमी। अबू जहल। अबू जहल, राइट आंसर। शरई तौर पर मुसाफिर बनने के लिए कितने माइल सफर करना जरूरी है? दारुल हुदा। 57.5 मील। राइट आंसर। तौरात और इंजील में नबी पाक अलैहिस्सलाम का क्या नाम मस्कूर है? जी दारुल हुदा, जल्दी कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं जनाब, रॉन्ग आंसर। गज़वा बदर में अल्लाह पाक ने कितने फरिश्तों को भेजकर मुसलमानों की मदद फरमाई? द नॉलेज एकेडमी। 5000। 5000, राइट आंसर। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह की हदीस पर लिखी हुई किताब का नाम बताइए। दारुल हुदा। बुखारी। रॉन्ग आंसर, राइट आंसर है मुस्नद इमाम आजम। गलती हुई है जनाब। फजर की अजान में टोटल कितने कलमात यानी जुमले होते हैं? द नॉलेज एकेडमी। 117। 117 बिल्कुल गलत आंसर। अल्लाहु अकबर, सिर्फ 17 होते हैं। कितने होते हैं? 17। चलें जी पीछे जाएंगे। वो अजीबोगरीब बात जो आम लोगों से जाहिर ना होती हो, अगर औलियाउल्लाह से जाहिर हो तो उसे क्या कहा जाता है? द नॉलेज एकेडमी। इरहास। नहीं जनाब, अगर किसी अल्लाह के वली से ये बात जाहिर हो तो फिर उसे क्या कहते हैं? मिलकर जारे कहेंगे करामत। क्या कहते हैं? करामत। गलती हो गई है, पीछे जाएंगे। बेहतरीन चांस था नॉलेज एकेडमी को आगे निकलने का, गलती हो गई है जनाब। हदीस पाक मुकम्मल कीजिए जो चुप रहा। द नॉलेज एकेडमी। इसने निजात पाई। राइट आंसर। क्या बात है जनाब। कुरान पाक की एक सूरत सूरह अनफाल है, मायना बताइए। जी रहमत का मालिक। नहीं जनाब, गलती हो गई है। गनीमत का माल, अनफाल का मायना होता है। पीछे जाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हम्माद है। हम्माद का माना क्या है? द नॉलेज एकेडमी। अल्लाह पाक की हम करने वाला। अल्लाह पाक की हम्द करने वाला। राइट आंसर। द नॉलेज एकेडमी ने आखिरी सवाल का जवाब तो राइट दिया है, लेकिन पीछे कई सारी गलतियां की हैं। नंबरों की जरूरत भी थी। क्या लगता है कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर करार पाई है? नतीजा क्या निकला है? आइए हम आपको बताते हैं। द नॉलेज एकेडमी ने इस राउंड में हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। अगर आप लोगों ने जो गलतियां की हैं वो ना करते और वो जवाब दुरुस्त मिल जाते तो फिर नतीजा कुछ और था, क्योंकि दारुल हुदा की टीम ने आखिरी राउंड में लिए हैं सिर्फ 10 पॉइंट्स। क्योंकि इनका पिछला स्कोर ज्यादा था इसलिए इनका टोटल स्कोर हो गया 335 पॉइंट्स। यूं आज का मुकाबला दारुल हुदा की टीम जीत चुकी है। जी दारुल हुदा की टीम को हम मुबारकबाद देंगे और द नॉलेज एकेडमी की टीम दिल छोटा नहीं करेगी। मुकाबला है, किसी ने जेर होना होता है तो ही कोई जबर होता है। यही प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है और यही कंपटीशन का उसूल होता है। चलें जी, रनर अप टीम को हम तोहफे भी देंगे और साथ ही साथ सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। मोहम्मद उस्मान भाई आ जाइए करीब। शाबाश, ये तोहफा भी आपके साथ जाएगा मेरा बेटा। इस बॉक्स के अंदर जो तोहफा है वो आपके साथ जाएगा। जी अहमद रजा, जी इस बॉक्स के अंदर जो तोहफा है ये भी आपके साथ जाएगा। मोहम्मद मिनहाज, माशाल्लाह वेल प्ले।
अच्छी काविश की आप लोगों ने, अगर थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करते, आखिरी राउंड में थोड़ी सी मेहनत दिखा देते तो फिर मुकाबले का रिजल्ट कुछ और होता। आज की हमारी विनर टीम को सुपर सिक्स राउंड के लिए क्वालिफाई करने पर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उबैद रजा चले जी, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक आपको। अब्दुल राफे मुबारक माशाल्लाह। मेराज अब्दुल रहमान चले जी, बहुत बहुत मुबारक। आप तीनों टीमों को अच्छी तैयारी कर आएंगे, भरपूर तैयारी कर आएंगे, क्योंकि अगले राउंड में हो सकता है सवालात भी मुश्किल होंगे, लेकिन टीमें जरूर एक्सपीरियंस्ड होंगी। जो जीत कर जा रही हैं सुपर सिक्स राउंड उन्हीं के दरमियान होगा। नाजरीन आज का हमारा मुकाबला आपने देखा, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, इंतजार कीजिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक। जीरो जबर जीरो जबर जीरो जबर जीरो जबर जीरो जबर जीरो जबर कैटेगरी राउंड जीरो जबर।